आर्च विश्वकर्मा और आपको तो पता ही होगा और नहीं जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल गया होगा। तो अभी बज रहे हैं 2 मतलब शाम दोपहर के 2 क्योंकि आज मैंने लेट व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग के घर में सत्यनारायण जी की कथा थी। तो आप लोगों को एक बात बताना है, देखो लोग ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे वो कहावत है कि लोमड़ी जो थी उसको अंगूर नहीं मिले तो वो पूरे में फैला दी कि अंगूर खट्टे होते हैं, ठीक है। तो मैं एक आप लोग को बात बताना चाहती हूँ कि अंगूर खट्टे होते ही हैं, सच। मैंने बोली मम्मी को, मैंने अंगूर खा ली थी, मैंने बोला मम्मी अंगूर तो खट्टे हैं, ये लोमड़ी ने सही बात बोली। तो मम्मी बोलती है कि हाँ अंगूर खट्टे होते ही हैं, तो लोमड़ी ने सही बोला था। लेकिन लोमड़ी का विश्वास क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अकेली थी। अगर यही बात सुअर का झुंड बोलता या भैंस का झुंड बोलता या बकरी, मम्मी बकरी का झुंड बोलता या और कौन रहता झुंड में, भेड़ का झुंड बोलता, तो लोग मान लेते कि अंगूर खट्टे। लेकिन वो उस जो लोमड़ी है उसने सच बोला, लेकिन कोई नहीं माना। लेकिन मैं उस लोमड़ी के साथ हूँ और बताना चाहती हूँ कि अंगूर खट्टे। बस ये जस्टिस चाहिए था। छत पे आई थी मैं शांत वातावरण के लिए। I am sorry, Babu. कॉलेज में होता है रंग उत्सव, तो मेरा मन था जाने का, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, और मेरी मम्मी ने भी मना कर दिया नहीं जाना, और कौन ही बोलेगा। तो अगले साल चले जाऊंगी रंग उत्सव में, और फिर बस यही है, क्या ही बोलूँ मैं, अपने दिल को दिलासा यही दूंगी ना। अभी सब लोग नाच रहे होंगे, वो कौन सा गाना था, वो वाला इतना मज़ा, अरे ये तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, रुको फिर से गाऊँ। इतना मज़ा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। 12 seconds later पर मेरे को जाना तो पता, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हूँ, जहाँ मुझे रोना आना चाहिए वहाँ नहीं रोती हूँ, और जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रोती हूँ। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं रो ही रही हूँ। किसी ने फ़ोन करके ये नहीं बोला कि नहीं आ रही तू, तेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, तू मेरे को फ़ोन दे, मैं बात कर ले रही हूँ या मैं बात कर ले रही हूँ। तो यार ऐसे दोस्त का क्या मतलब, जो तुम एक परमिशन नहीं दिलवा पाए मुझे। फाइनली मुझे पता चल गया कि मेरे 200 रुपये बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ में। मैं सोची थी कि लेंस लगा के वीडियो बनाऊंगी, मतलब शौक होता है ना सबको अपना अपना लेंस लगाने का, जब तक ट्राई नहीं किया और फिर उसको लगाने में मौत आती है। तो मेरी सच्ची दोस्त है चेरी, मेरी सच्ची दोस्त है, सच्ची मित्र। पता नहीं लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैंने वो क्या बोलते उसको AC लॉक हो गया। ओ मेरी चेरी है सच्ची मित्र, चेरी मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मरने के बाद मेरे साथ ही रहना। लात नहीं मारते भैरव जी, कुत्ते में भैरव जी होते हैं, लेकिन कुतियाँ है ये तो। कुतिया में क्या होती मम्मी, गाय से कुत्ते में भैरव जी, तो कुतिया में क्या होती दादी। जब कुत्ते में भैरव जी होते हैं तो कुतियों में भी भैरव जी होते हैं। अच्छा परिवार है, अच्छा तो भैरव जी की वंश है चेरी। नंदी जी, हाँ नंदी जी तो वो है ना, सवारी है भगवान जी की। तो ध्यान से सुन रही है, बता रहे दादी कि eventually मेरी जान आराम से बैठ, मेरी जान हाय गाइस, छबरी लोग बोलते ना मेरी जान, तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, तेज चला के गाड़ी मेरी जान, बहुत खराब रोड है। मैं वो दीदी से गुजारिश करूंगा कि देखो दीदी लोग पागल हो गई हूं, पागल हो गई, यहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गाड़ी चलाएंगे तो पागल हो गई श्री। ये पता ही, मैं जब बहुत छोटा था तब से घर बनना, मगर कोई रहता नहीं है, सड़ा सा घर है, मगर दूंगी घर कॉलोनी हो।
सिस्टर रोड है तुम्हें बताई मैं आगे महापौर से यहाँ पे बन रहा है गुजिया का मिक्सर तो क्योंकि कल है होली तो अभी बन रहा है आज है ना मम्मा तो ये अभी इसमें क्या डाला है अभी सूजी और खोआ और जो कि वो खोआ दिखा नहीं पाई मम्मी ने जल्दी से डाल दी बोली दो मिनट दिखा दें दो घर का खोआ था वो और ये कुंजन की सूजी मैं छत पे घूम रही थी मतलब अभी मैं आपको दिख नहीं रही हूँगी है ना क्योंकि बहुत अंधेरा है और मैं फ्लैश चालू करके दिखाना नहीं चाहती उसमें बहुत दिखूंगी तो मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए बस बताई कि अभी मैं छत पे घूम रही थी तो मेरे को यार इतनी खुशबू आ रही है अलग अलग प्रकार की मतलब सबके घर में पकवान बने ना किसी के यहाँ से खुचिया की खुशबू आ रही है किसी के यहाँ से चूड़ा की खुशबू आ रही है किसी के यहाँ से सलोनी की खुशबू आ रही है किसी के यहाँ से खुरमी की खुशबू आ रही है तो मतलब बहुत सारी खुशबूएँ आ रही हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है छत पे घूमने के लिए और भूख भी लग रही है तो द नेक्स्ट डे ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट तो आज है ये है समोसा और आलू भंडा जो कि हाँ जो स्पेशल ब्रेकफास्ट है ये गौर से देखिए इस लड़की को अभी और फिर जब भी आएगा तब दिखाऊंगी ट्रांजेक्शन अब हैप्पी होली एवरीवन और ये जो मेरे आँखों में किया है ना ये मेरा होली का लुक है मतलब मैं होली खेलूंगी चेरी के साथ अभी क्योंकि कोई है नहीं तो चेरी को बुला रहे हैं चेरी आ नहीं रही है पिंक पिंक है ना तो मैंने सोचा पिंक ही पहन लेती हूँ ये गुलाल है सो ये 100% नेचुरल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो मैंने सोचा कि मैंने सिल्वर और थोड़ा सा वाइट है ये ठीक है सो ये मेरा मेकअप लुक है आप बताना कैसा लग रहा है मतलब ऐसे ही कर दिया मैंने जल्दी से मैंने बोला चलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ अतरंगी कर लेते हैं होली है ना तो ये है गुलाल और अभी मैं चेरी को लगाऊंगी चेरी सो रही है गुस्सा हो जाएगी मतलब ऐसा टेंशन मत लेना उसको मैं गंदा करूंगी फिर मैं उसको नहला भी दूंगी ठीक है हैप्पी होली मम्मी हैप्पी होली बेबी इधर आ जाओ तो लाइट नहीं आ रही हंड्रेड परसेंट नेचुरल है कि नहीं हैप्पी होली गाइस इसको लगाना है आओ इधर आओ चेरी अच्छा कपड़ा लिया पोंछ लेगी सारा मैं आज अपनी खुशी सारी चेरी के ऊपर होप दूंगी गाइस ये मैं सोच रही कुत्ते के ऊपर क्यों कलर लगा रही मैं उसको धो दूंगी चेहरे को मेरा कुत्ता मेरे से भाग रहा है पकड़ना पड़ेगा यार छत तक आते आते हाथ पैर दुख गए इतनी तोड़ाई है ये मुझे इसको चेरी कलर लगा दूं लोग बोल लेंगे ये कैसी बदतमीजी है अपने कुत्ते के साथ लेकिन ये बदतमीजी नहीं है हम लोग का खेल है दे अभी मैं इसको नहला दूंगी गाइस मत सोचना आप लोग गलत ये कुत्ता अभी होली होली सब खेल लिए हैं तो अभी जाऊंगी मैं मुंह धोऊंगी मैं सोची थी कि मैं चेरी को नहला दूंगी बट चेरी भग रही है कल नहला दूं चेरी को आज वो पकड़ में नहीं आएगी तो कल नहला दूंगी और फिर मेरे को ये लग भी ठीक है पता नहीं क्यों मैं थक गई हूँ होली खेल खेल के मतलब ऐसा होली नहीं खेली हूँ पर फिर भी थोड़ा सा बहुत खेली थी तो थक गई हूँ वैसे मैंने चेरी को ज़्यादा लगाया सौम्य के साथ खेला तो फिर वो पता नहीं क्यों थकान हो रही है तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ नहा लेती हूँ फिर उसके बाद मिलती हूँ तो कुछ ऐसी रही मेरी होली और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना और पहले लोग स्टोरी डालते थे इंस्टाग्राम में अपने ही डालते लेकिन अगर आप लोग अगर डालोगे तो प्लीज़ मेरे को मेंशन करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय 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 और आप लोगों से सीख सकते हैं कि अकेले रह के भी खुश कैसे रह सकते हैं मतलब मेरे साथ कोई था नहीं होली बनाने के लिए पर मैं फिर भी अपने कुत्ते के साथ बनाई बस एक बात बताना चाहती हूँ ना कि भले कोई हो साथ ना हो लेकिन मतलब चेरी मेरे साथ रहती है हमेशा तो भले ही वो कुत्ता है मतलब कुछ हंसेंगे कि लोग कैसे अपने डॉग के साथ अपनी मतलब पेट के साथ आप ऐसे कर सकते हो लेकिन फिर भी यार एक इमोशंस होते हैं और चेरी मेरे साथ रहती है हमेशा पूरे घर में सबसे ज़्यादा चेरी मेरे से प्यार करती है तो अभी भी मेरे साथ ही है
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को बस ये है कि आप लोगों को अपनी खुशी देखनी चाहिए, और मेरे लिए ना छोटी छोटी खुशी बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है ना, मेरे मतलब 5 साल से मेरा कोई पक्का बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, वो नहीं है जिसके साथ मैं घूमूँ, जिसके साथ मैं बात शेयर करूँ, बस मेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी चैरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बच्चा शर्ट उतारा और फेंक दिया। कहाँ फेंका मैंने देखा, आंटी को बता दूँ क्या? तो सुबह अरे यार हल्ला करते रहते हैं इसमें, अरे है यार इसमें मम्मी ने एकदम से